यूपी के शाहजहांपुर में एक बार फिर बदमाशों ने एक पत्रकार को निशाना बना डाला। यहां बदमाशों ने पत्रकार को उस समय गोली मार दी जब वो एक न्यूज कवर करके घर वापस लौट रहा था। गोली लगने से पत्रकार गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे आनंद फानंद में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। फिलहाल घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है। दीदी के लिए इंजेक्ट दवा लेने के लिए, फिर उसके बाद हम और राहुल जो है ने फैमिली ने ढाबे पे गए खाना खाने के लिए। फिर वहाँ घर पे फ़ोन आ गया था, खाना भी नहीं खाया था। फिर राहुल जो है दिन जैसे दिन में मिला था तो बोला दीदी कहाँ चलें, तो इतने घंटे फिर बोला दीदी कहाँ चलें, तो हमने चलो बोला, 5 मिनट ज़्यादा रुकेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं। तो दीदी की उनके दीदी कहाँ गए तो दीदी चाय बनाने लगी थी, चाय के लिए हमने मना कर दिया, हमने दीदी चाय नहीं पिएंगे, हम घर जा रहे हैं, हमें कुछ अच्छा नहीं लग रहा। बस वहाँ से निकले सीधे, और जैसे ही हम लोग साउथ सिटी से इधर बरेली मोड़ के लिए बढ़े तो वहाँ पे बाइक सवार लोगों ने हम पे गोली चला दी। हेलमेट पहने हुए थे। रंजीश चल रही है? रंजीश हमारी पुरानी चल रही है, अब ये नहीं बता सकते कि वही लोग हैं कौन हैं। मैं साउथ सिटी से निकल रहा था, अपनी दीदी के घर गया था 10-15 मिनट के लिए। वहाँ से बगैर चाय पिए निकला, दीदी बोली चाय पी लो। वहाँ से निकल के रोड पे आए, रोड के 2-3 खंभे पार करें अंधेरे में, ठीक है, तो वहाँ पर उल्टे हाथ पर 2 लोग थे मोटरसाइकिल से, ठीक है। मुझे पीछे से गाड़ी चौंध पड़ रही थी, आगे भी चौंध पड़ रही थी, मैं अपनी गाड़ी चला रहा था, ठीक, मुझे नहीं पता चला, ठीक है, तो गोली चली, ठीक है। अब मेरे मारी या उसके मारी ये नहीं पता, बोले इनके हाथ में, अंकित भाई के हाथ में गोली लग गई, ठीक। मुझे जैसे गोली की आवाज़ आई, मैंने तुरंत अपनी गाड़ी रपटा के आगे मैंने पुल के नीचे रोकी, वहाँ पर दरोगा जी खड़े, मैंने दरोगा जी कहा भाई गोली मार दी किसी ने, ठीक है, तो बोले तुम अस्पताल जाओ, मैं भी देखता हूँ, ठीक, इतनी बात हुई। मुझे नहीं पता कौन लोग थे, ना मैंने कोई नहीं देखा, ना मैं पहचान पाया, मैंने सिर्फ अपनी गाड़ी दौड़ाई।